नमस्कार। हम अपनी त्वचा को हमेशा बेदाग और साफ रखने का प्रयास करते हैं और खास करके चेहरे की त्वचा तो बिल्कुल साफ सुथरी और बेदाग रहे। इसके लिए हम बहुत कुछ प्रयास करते हैं, कई तरह की क्रीम लगाते हैं, पार्लर जाते हैं, लेकिन जब कभी हमारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, महंगी महंगी ट्यूबों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जबकि इसका घरेलू उपचार बहुत सरल और बहुत इफेक्टिव है। लेकिन पहले हम ये कारण जान लें कि मुहासे होते क्यों हैं। मुहासे होने के पीछे कई कारण हैं। एक तो है आजकल जो बहुत अधिक हो रहा है PCOD और PCOS, जो हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान से संबंधित है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। PCOD PCOS में बहुत मुहासे भी निकलते हैं। उसके बाद है दूसरा कॉन्स्टिपेशन, तैली आहार, तला भुना जब हम बहुत कुछ खाते हैं तो वो तेल त्वचा के माध्यम से मुहासे के रूप में फेस पर भी आता है, या बहुत अधिक क्रीम और ऐसी चीज़ों का उपयोग कर लेना फेस पर जिससे कि पोर बंद हो जाए, तो जब त्वचा सांस नहीं ले पाती तो भी हो जाता है, या मेकअप के बाद अच्छी तरह साफ सफाई न की जाए फेस की तो भी मुहासे हो जाते हैं। मुहासे होने के पीछे कई कारण हैं और एक जो कारण है हार्मोन डिसबैलेंस। जब छोटी बच्चियां जब किशोरावस्था में आती हैं, या बच्चे लड़के वो जब किशोरावस्था में आते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उस समय मुहासे निकलते हैं, या फिर जब हमारा पीरियड जाने वाला होता है तो हमारा भी हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उस समय भी हमें मुहासे निकलते हैं, या जिनको थायराइड हो तो उनका भी हार्मोन पीरियड जाने के समय हार्मोन डिसबैलेंस होता है। तो हार्मोन मुहासे के तो कई कारण हैं, किसी भी कारण से हो सकता है, और होने के बाद हमारी त्वचा बहुत ख़राब दिखती है, पूरे चेहरे में मुहासों के दाग भी पड़ जाते हैं। लेकिन इनका जो घरेलू उपचार है वो बहुत सरल और अच्छा है। मैं आपको सिर्फ सबसे पहले एक उपाय बता रही हूँ, दो उपाय बताऊँगी जिससे आपके मुहासे भी ठीक हो जाएंगे और त्वचा भी ठीक। लेकिन मुहासे होने के पीछे जो कारण है उन कारणों को दूर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर PCOS है तो उसमें, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे उपाय भी बताए क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको अपना लेंगे तो मुहासे नहीं होंगे। और हार्मोन डिसबैलेंस जब हो रहे हैं तो भी कुछ आसन हैं जो इसमें लाभदायक है, उनको करने से भी आपके हार्मोन जो बैलेंस होने लगेंगे। और अब इसका मैं आपको उपाय बता दूँ, एक तो पानी बहुत पीना है आपको, दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पिए, ताकि शरीर में कहीं भी गंदगी रुके नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। इसके लिए फाइबर और आपको बहुत अधिक फल और सब्जियों का उपयोग करना है। फल और सब्जियों का उपयोग करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इस तरह के कारणों को दूर करने के बाद अब आप इसके उपाय पर देखें। पूजा में जो सुपारी काम में ली जाती है, अक्सर हम पूजा में एक छोटी सुपारी उपयोग में लेते हैं, उस सुपारी को आप 6 से 7 पीस फोड़ करके भिजो दें, 24 घंटा उसको पानी में भिजने दें, 24 घंटे के बाद उस पानी को बदल के दोबारा भिजो दें, और फिर तीसरे दिन उस सुपारी को सिल पर, या जैसे भी आप की मिक्सी में पीस जाता है तो उन बारीक टुकड़ों को पीस लें, गाढ़े पेस्ट की तरह बना लें। अब उस पेस्ट को आप रात में लगा के चेहरे पे सो जाएं, दूसरे दिन आपको बहुत बड़ा फेस में अंतर दिखेगा। आप जहाँ 2-3 दिन या 4 दिन लगाएंगे पूरे मुहासे साफ, चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। और अभी किशोरावस्था में जिन बच्चों की उस समय जो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं वो मुहासे इतनी जल्दी ठीक होंगे, दोबारा होंगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपके जो चेहरे की त्वचा है बेदाग बनेगी।
लेकिन हाँ, चाय कॉफी का भी उपयोग नहीं करना होगा, क्योंकि ये भी चाय कॉफी भी आपके फेस पर मुहासे निकालने के लिए जिम्मेदार है। तो जितनी बातें मैंने बताई इनका उपयोग करेंगे तो मुहासे और नहीं आएंगे और इससे मुहासे ठीक होंगे। अब जो चेहरे में दाग पड़ गए हैं उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप प्योर चंदन की स्टिक ले लें, गुलाब जल ले लें और बादाम ले लें, थोड़ी सी केसर। सबसे पहले आप उसमें बादाम घिस लें पत्थर के ऊपर, गुलाब जल डाल के। सूखा बादाम घिसेंगे तो घिसा जाएगा, उसको घिस लें और जब बादाम घिस जाए तो एक कटोरी में निकाल लें। गुलाब जल डाल के अब दोबारा उसमें चंदन घिस लें। चंदन के साथ 5-7 पत्ती केसर की डाल दें और उसको भी चंदन के साथ साथ घिसते हुए बिल्कुल तैयार कर लें और एक गाढ़ा पेस्ट इतना बड़ा इतना बना लें कि जो फेस पे रात में लगा सकें। अब अगर मुहासे नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ दिन तक रोज रात में इस पेस्ट को, या आपके पास दिन में भी 2-3 घंटे का समय हो तो आप दिन में लगा के भी रख सकते हैं। आप उस पेस्ट को लगा लें और छोड़ दें सूखने के लिए। सूख जाने के बाद हल्के हाथ से गुनगुना पानी लेके उसको उतार दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में त्वचा आपकी बहुत चमकदार हो गई है, कोई दाग धब्बे नहीं है। इसके अलावा मसूर की दाल का आटा भी बहुत इफेक्टिव है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मसूर की साबुत मसूर को पीस लें और उसका एक बारीक आटा बना लें, उसको दही में घोल लें थोड़ा और उसमें नींबू निचोड़ लें और थोड़ा सा उसके अंदर बादाम रोगन या ऐसा मलाई कुछ भी डाल लें और उस पेस्ट को भी लगा सकते हैं। वो भी चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अभी आपको जो 2-3 ये दिया है उपाय बताया है, क्योंकि मैं सुपारी वाला उपयोग अपने घर में भी कुछ लोगों पे किया है, मेरे क्लास के स्टूडेंट के बच्चों को भी बताया है, उन्होंने भी पाया है कि इससे बिल्कुल उनके मुहासे गायब हो गए। तो आप भी बेहिचक कर लो, बिल्कुल मत सोचो कि इससे होगा कि नहीं ठीक। बस पूजा वाली सुपारी जरूर चाहिए जिसे फोड़ के भिजोना होगा और पीसना होगा। इससे आपके मुहासे 100% ठीक हो जाएंगे। मेरा आज के वीडियो को आप जो लोग भी इसका उपयोग करते हैं और वो पाते हैं कि हाँ ठीक हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि मुहासे की समस्या तो लगभग अधिकतर लोगों को होती ही है, तो दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।